A warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. Statics और Dynamics में Center of Gravity chapter हम कर रहे थे. Last video जो हमने किया था उसमें Center of Gravity के basics हमने पढ़े थे कि Center of Gravity actual में होती क्या है और Center of Gravity का formula क्या होता है और एक numerical मैंने आपको asteroid वाला Center of Gravity निकालना बताया था. तो description में जाकर के आप उसके link से उस video को देख सकते हैं. सेकेंड वीडियो आज सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. फिलहाल जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे हैं वही पर्टिकुलर लेंथ की निकाल रहे हैं. फिर आगे जैसे हम न्यूमेरिकल आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियोस में तो उसके बाद हम एरिया वाइज या वॉल्यूम वाइज भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाले जाती है वो देखेंगे. तो फिलहाल हम लेंथ में फोकस कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द आर्क ऑफ द कैटेनरी वाई इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी which is included between the vertex 0, C and the point x, y. Students, common catenary के काफ़ी videos मैं बना चुका हूँ. आप common catenary से related कोई भी concept समझना चाहें तो वो पुराने videos देख सकते हैं playlist में जा करके. Common catenary basically एक uniform chain होती है जिसके दो end को fix कर दिया जाए. ये point था इसका 0, C. तो इस पॉइंट से लेकर के एक पर्टिकुलर पॉइंट x, y हमको कहीं पे भी लेना है. यहाँ से यहाँ तक जो ये लेंथ है इस लेंथ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालनी है. तो हम ये मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x बार और y बार. x बार का फॉर्मूला हमने देखा था क्या था, x ds अपॉन इंटीग्रेशन ds और ये था y ds अपॉन इंटीग्रेशन ds. ये x बार का फॉर्मूला था और ये y बार का फॉर्मूला था. ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगाना है. तो ds निकालते हैं सबसे पहले. y इक्वल टू कितना है, c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c. तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c का डिफरेंशिएशन होता है साइन और x अपॉन c का 1 अपॉन c से c कैंसिल हो जाएगा तो dy अपॉन dx आ गया. ds अपॉन dx का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर. तो ds अपॉन dx कितना आ गया, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c. तो ये ds अपॉन dx की वैल्यू हमने निकाल दी और 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा होता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा. तो ये ds अपॉन dx हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c होगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा. तो ये ds अपॉन dx की वैल्यू आ गई. अब x बार निकालते हैं. x बार का फॉर्मूला क्या था, लिखा हुआ है यहां पे, x बार इक्वल टू x ds अपॉन इंटीग्रेशन ds. तो ये x की वैल्यू हमको रखनी है यहां पे और ds की वैल्यू. अगर हम यहां पे ds की वैल्यू निकालेंगे तो cos हाइपरबोलिक x अपॉन c dx हो जाएगा. तो ये हो गया, ds की वैल्यू कितनी आ रही है, cos हाइपरबोलिक x अपॉन c इंटू dx. तो ये ds की जगह पे रख देंगे हम. तो ये हो गया x cos हाइपरबोलिक x अपॉन c dx और अपॉन क्या हो गया, cos हाइपरबोलिक x अपॉन c dx. आप देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है x की, x कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेकर के x तक. तो लिमिट हो गई 0 टू x और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 टू x. अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है इसको, बाई पार्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे. तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी और 1 अपॉन c इसके अपॉन में आएगा तो वो ऊपर जाकर के c बन जाएगा, लिमिट लग जाएगी 0 टू x. माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 हो जाएगा इसका, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, एक 1 अपॉन c यहाँ आ जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा अपॉन इसका इंटीग्रेशन c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c और लिमिट क्या है, 0 टू x. लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो लिमिट लगाएंगे तो x हाई लिमिट में तो x रहेगा, सी एक्स एक्स सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक c और आ जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक x अपॉन c और लिमिट क्या हो गई, 0 टू x अपॉन इसमें लिमिट लगाएंगे
ये आ जाएगा लोअर लिमिट में, तो जीरो बन जाना है इसने। अब लिमिट लगाते हैं एक्स सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी माइनस सी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और लोअर लिमिट कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है, तो ये वन हो जाएगा। अपॉन में क्या हो गया, सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। तो ये एक्स बार की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स आएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा, एक सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स सॉरी एक तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। सेकंड टर्म क्या होगा, एक सी से सी कैंसिल होगा, तो सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी माइनस सी अपॉन सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। तो सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी की वैल्यू कितनी है, वाई है, तो वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एक्स माइनस वाई माइनस सी अपॉन सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी की बात करें तो ये फॉर्मूला पूरा डेरिवेशन कैटनरी के वीडियोज़ में मैंने बताया था, ये एस के इक्वल आता था, तो ये एस हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स, ये हो गया इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालना, तो वाई बार इक्वल टू क्या है, वाई डीएस अपॉन डीएस। वाई कितना है, सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और डीएस कितना है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी इंटू डीएक्स। लिमिट एक्स क्या है, जीरो से एक्स तक, और डीएस कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी डीएक्स जीरो टू एक्स। कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी की बात करें तो ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बन जाएगा, तो जीरो टू एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी डीएक्स अपॉन, इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और लिमिट क्या है, जीरो टू एक्स। जो सी था इसका हाफ यहाँ ले लेते हैं, और हाफ सॉरी टू से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा जो आपने प्रीवियस क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो ये सी बाई टू हो गया, जीरो टू एक्स, ये होता है वन प्लस कॉस हाइपरबोलिक टू एक्स अपॉन सी, वन प्लस कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा का फॉर्मूला बन गया, अपॉन कितना हो गया, सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। लिमिट लगा दी हमने नीचे, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो वन बाई टू सी, ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सी बाई टू साइन हाइपरबोलिक टू एक्स अपॉन सी, एंड द लिमिट इज जीरो टू एक्स अपॉन सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी क्या होता है, एस, तो इसकी जगह पे एस कर लेते हैं, तो वन बाई टू सी एक्स साइन हाइपरबोलिक टू थीटा का फॉर्मूला होता है, सी इंटू सी, एक तो सी ये है एक सी ये है, हाफ इसका फॉर्मूला होता है टू साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और अपॉन में आ गया एस, तो ये हो जाएगा हाफ सी एक्स प्लस टू से टू कैंसिल, सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी क्या होता है एस, सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी क्या है वाई, अपॉन में क्या हो गया एस, तो ये वाई बार हो गया। तो जो कॉमन कैटनरी है, उस कॉमन कैटनरी की इतनी लेंथ का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है वो हमने निकाल दिया, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, और जो वाई बार है वो क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। देखिए स्टूडेंट्स, दो न्यूमेरिकल मैंने लेंथ वाइज सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिखे हुए हैं, सेकेंड न्यूमेरिकल का सोल्यूशन मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, अगर आपको किसी भी आर्क की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, तो आपको हर एक आर्क के करस्पॉन्डिंग ये पता होना चाहिए कि उसका ग्राफ कैसे बनेगा कैसे वो आर्क बनेगी। तो फिलहाल सेकंड क्वेश्चन पे आप देखिए, साइक्लॉइड दिया हुआ है, साइक्लॉइड क्या है, ए थीटा प्लस साइन थीटा वाई इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं इसको, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में साइक्लॉइड की इक्वेशन दी है, तो साइक्लॉइड का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, साइक्लॉइड भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो ये जो साइक्लोइड बनेगा, ये साइक्लोइड
कुछ इस तरीके से बनता है। एक लेंथ हमको लेनी है, तो इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग आपको पॉजिटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट में जो लेंथ बन रही है उस पॉजिटिव क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे थीटा 0 हो गया, इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग आपको इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए पाई और 2a इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये सब आपने ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में पढ़ा होगा। तो इसकी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एक्स बार और वाई बार आपको निकालनी है। यहाँ पे इस ए पॉइंट पे थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये आपको कार्डियोड दिया हुआ है, एक्स जो दिया है उससे डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालते हैं, कितना हो जाएगा, ए 1 प्लस कॉस थीटा। और डी वाई अपॉन डी थीटा अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा ए साइन थीटा। डी एस अपॉन डी थीटा का फॉर्मूला पहले के वीडियो में आपको बताया हुआ है, डी एक्स अपॉन डी थीटा का स्क्वायर होता है प्लस डी वाई अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस इसका हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। तो √2 बाहर आ गया और अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ए √2 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये √2 और √2 2 बन जाएगा, ये हो गया 2a cos थीटा बाय 2। तो ये डी एस अपॉन डी थीटा हमने निकाल लिया, यानी कि डी एस की वैल्यू क्या हो गई, 2a cos थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। तो ये डी एस की रिक्वायरमेंट थी, ये डी एस हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब ये डी एस से हम क्या निकालेंगे, एक्स बार निकालेंगे और वाई बार निकालेंगे। तो एक्स बार का फॉर्मूला, क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन को अब मैं हटा दे रहा हूं। तो एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स डी एस अपॉन डी एस एक्स बार। एक्स क्या है स्टूडेंट्स, एक्स था एक्स और वाई जो दोनों मैंने लिखे थे, एक्स क्या था, ए थीटा प्लस साइन थीटा, ए थीटा प्लस साइन थीटा। और डी एस कितना है, 2a cos थीटा बाई 2 d थीटा अपॉन डी एस, ये है 2a cos थीटा बाय 2 d थीटा। कहाँ से कहाँ इसको इंटीग्रेट करना है, इस ओ से लेकर के ए तक। तो थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेके पाई तक और 0 से लेके पाई। तो ये जो 2a है वो कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो एक्स बार कितना हो गया, 0 to π ए θ cos θ/2 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin θ/2 cos θ/2 और ए मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा cos² θ/2 d थीटा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, sin θ/2 और एक 2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, 0 to π हो गया। एक्स बार साइन पाई, पाई रखेंगे तो sin π/2 कितना होता है, 1, और sin 0 कितना होता है, sin 0 की वैल्यू 0 हो गई तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हायर लिमिट में 1 लोअर लिमिट में 0, तो ये सिर्फ हो जाएगा 2। इस वाले इंटीग्रेशन की तो वैल्यू हमने निकाल दी। अब हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन में जो θ/2 है उस θ/2 को हम मान लेते हैं t। तो d थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 dt। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं कि इंटीग्रेशन में क्या चेंज आता है। डिनोमिनेटर तो हमने सॉल्व कर दिया, न्यूमिनेटर आपको सॉल्व करना है सर। ए थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, 2t, cos θ/2 की जगह cos t, 2 sin θ/2 की जगह पे sin t, और cos² t, और बाहर से आ जाएगा डी थीटा की वैल्यू हो गई 2 dt। और लिमिट में क्या चेंज आएगा, जब 0 रखेंगे तो 0 और पाई रखेंगे तो π/2 है, 0 से π/2 हो गया, और अपॉन में क्या आ रहा है, 2, तो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो इसको इंटीग्रेट करना है, ए इसमें आईलेट लगेगा, एक्स बार इक्वल टू ए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड,
जीरो टू पाई बाई टू माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टी का वन हो गया, टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन टी, और इसका एक बार और इंटीग्रेशन होगा जीरो से पाई बाई टू डी टी, और दूसरा इंटीग्रेशन क्या बन रहा है, प्लस टू जीरो टू पाई बाई टू साइन टी कॉस स्क्वायर टी डी टी। तो लिमिट हम यहाँ लगाते हैं एक्स बार इक्वल टू ए, पाई बाई टू रखेंगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, पाई आएगा, और साइन पाई बाई टू कितना होता है वन, और लोअर लिमिट में तो ये जीरो बन जाना है, माइनस टू साइन टी का इंटीग्रेशन कॉस टी, और लिमिट हो गई जीरो से पाई बाई टू प्लस टू। ये साइन टी और कॉस स्क्वायर टी बीटा गामा फंक्शन आपने पढ़ा होगा, बीटा गामा फंक्शन का फॉर्मूला अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो साइन की पावर एम थीटा प्लस इंटू कॉस की पावर एन थीटा डी थीटा जीरो टू पाई बाई टू क्या होता है, गामा एम प्लस वन बाई टू गामा एन प्लस वन बाई टू अपॉन टू गामा एम प्लस एन प्लस टू बाई टू। बीटा एंड गामा फंक्शंस के भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आप वीडियो से ये फॉर्मूला देख सकते हैं, वहाँ प्रूफ मैंने पूरा कराया हुआ है। तो एम और एन को कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस वन बाई टू टू प्लस वन बाई टू अपॉन टू गामा वन प्लस टू प्लस टू बाई टू। अब आपको इसको सिंपल सिंप्लीफिकेशन इसका करना है, टू से टू कैंसिल हो गया, तो एक्स बार देखिए स्टूडेंट्स ये जो ए है ये ए पहले वाले टर्म के साथ भी है सेकंड टर्म के साथ भी, तो ए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो ये हो गया ए पाई प्लस कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू क्या होता है, कॉस पाई बाई टू होता है जीरो और कॉस जीरो होता है वन, तो ये माइनस का टू आ जाएगा, प्लस ए ये क्या हो जाएगा टू अपॉन टू गामा वन वन होता है, ये हो जाएगा थ्री बाई टू गामा थ्री बाई टू, और गामा टू प्लस टू प्लस वन फाइव बाई टू, फाइव बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं थ्री बाई टू गामा थ्री बाई टू, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू ए पाई माइनस टू ए प्लस टू ए बाय थ्री, तो ये हो गया ए पाई माइनस माइनस सिक्स प्लस टू माइनस फोर ए अपॉन थ्री। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई है x बार की, तो x बार आपका हो गया, आप चाहें तो यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं, a पाई माइनस फोर बाय थ्री। तो ये जो इतनी आर्क o से a तक की आर्क है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट हमने ही निकाल दिया है। इसी तरीके से आपको इसका y कोऑर्डिनेट भी निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट कैसे अप्लाई करेंगे आप, y कोऑर्डिनेट के लिए आप y बार इक्वल टू लिखेंगे y ds अपॉन ds, ds निकाला था 2 आ रहा था, y की वैल्यू आप रख लेंगे जो y की वैल्यू दी थी, लिमिट अभी भी 0 से पाई होगी, तो y बार आप इसी तरीके से निकालें, उसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो y बार की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2a अपॉन 3। आप इसको खुद से सॉल्व करें, सॉल्व करके आप इसका इजीली आंसर निकाल सकते हैं। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, बाकी आपको सॉल्व करना है खुद से। कार्डियोइड की बात करें तो कार्डियोइड कुछ इस तरीके से बनता है, इस कार्डियोइड की इनिशियल लाइन के ऊपर जो आर्क बन रही है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको निकालनी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है तो थीटा की अगर हम बात करें, यहाँ जीरो से लेकर के थीटा यहाँ पे पाई होता है, तो जब आप एक्स बार और वाई बार निकालेंगे तो उसमें थीटा की लिमिट जीरो से पाई लेंगे, और आपको आर दिया है तो आपको क्या निकालना है, डी आर अपॉन डी थीटा पहले निकालेंगे, और उसके बाद डी एस अपॉन डी थीटा, डी एस अपॉन डी थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखाया हुआ है पीछे पहले के जो इसका फर्स्ट लेक्चर हमने किया था उसमें हमने ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो डी एस अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो यहाँ से डी एस इक्वल टू डी थीटा आ जाएगा, डी थीटा के टर्म्स में वैल्यू रखेंगे तो एक्स बार और वाई बार आप इजीली निकाल सकते हैं, बस आपको इंटीग्रेशन का यूज़ करना है, इंटीग्रेशन यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो इसमें एक्स बार और वाई बार जो आ रहा है वो आ रहा है फोर ए अपॉन फाइव एंड वाई बार इज ऑल्सो फोर ए अपॉन फाइव। इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करें, मैंने हिंट दे दिया है, लिमिट आपको बता दी है। तो स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मेन में न्यूमेरिकल आज भी मैंने आपको कराए, नेक्स्ट अगला जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा उस वीडियो में हम अब एरिया में कैसे हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, अभी देखिए अब हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो सिर्फ लेंथ पे फोकस कर रहे थे, अब हम पूरा एरिया देखेंगे अगले वीडियो में, तो एरिया में देखेंगे कि हमको फॉर्मूले में क्या चेंजेस करना है और न्यूमेरिकली हम उनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका जस्ट जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊँगा।